नमस्ते मेरे इतिहास प्रेमियों, आज हम बताएंगे उनके बारे में जो पुरंदर किले के रक्षक थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले मुरारबाजी देशपांडे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। पुरंदर किले की लड़ाई में पुरंदर किले के रक्षक यानी किलेदार मुरारबाजी देशपांडे, इनका जन्म कब हुआ यह किसी को भी पता नहीं, लेकिन उनका जन्म स्थान यानी मूल गाँव किंजौली है। यह गाँव महाड़ तालुका में है। शुरू में मुरारबाजी जावली के चंद्रराव मौर्य के लिए काम करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली पर जब हमला किया तब वे मुरारबाजी के पराक्रम से आकर्षित हुए। उन्होंने अपने बातों से मुरारबाजी के मन को जीत लिया और तब से मुरारबाजी महाराज और स्वराज्य के खातिर अपने प्राणों की बाजी लगाते रहे। पुरंदर किले के पराक्रम में उनकी बहादुरी सबसे बड़ी थी। पुरंदर के लड़ाई के दौरान खुद दिलेर खान ने उन्हें जहांगीरी का लालच दिखाया, पर उन्होंने वह नहीं माना। इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है आखिरी शास्तक मुरारबाजी देशपांडे द्वारा दिलेर खान से लड़ी गई लड़ाई। तो चलिए आज हम पुरंदर के इसी युद्ध के बारे में जानते हैं, पर उससे पहले हम जानेंगे पुरंदर किले के बारे में, क्योंकि इसके बिना इस लड़ाई को समझना कठिन होगा। पुरंदर किला। शिवाजी महाराज ने 1646 को पुरंदर किले को जीता। इसी किले के जीत के साथ मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई और छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन की शुरुआत हुई। यह प्रसिद्ध किला पश्चिम घाटी में स्थित है और समुद्र से 4472 फीट की ऊंचाई पर है। पुरंदर किले के ठीक सामने है वज्रगढ़, जो पुरंदर जैसा ही मजबूत है। पुरंदर किला दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है पुरंदर की माची और दूसरा है बाले किला। पुरंदर किले के दरवाजे से ऊपर आते ही माची है और किले के ऊपर पहाड़ पर चढ़कर पुरंदर के बाले किले का दरवाजा है, जहाँ जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर शत्रु को बाले किले पर आना भी हो तो इसी रास्ते से आना होगा, क्योंकि उससे पहले उसे वज्रगढ़ का और माची की तोफों का वार का सामना करना पड़ता था। तो चलिए अब हम जानेंगे उस ऐतिहासिक युद्ध के बारे में जिसके कारण मुरारबाजी ने अपने प्राण तक स्वराज्य के लिए त्याग दिए थे। वो दिन था 16 मई 1665 आषाढ़ माह का। मिर्जा राजे जयसिंह स्वराज्य पर आक्रमण करने आया। उसने दिलेर खान को पुरंदर पर आक्रमण करने के लिए 25 से 30 हजार फौज के साथ भेज दिया। उस समय मुरारबाजी बाले किले पर मौजूद थे। दिलेर खान ने पुरंदर को घेर लिया, पर रात दिन कोशिश करने के बावजूद भी वह किले को नहीं जीत सका। उसे यह समझ आया कि पुरंदर की मजबूती को तोड़ने के लिए वज्रगढ़ पहले जीतना होगा, इसलिए उसने वज्रगढ़ पर तोफ ऊंचाई पर चढ़ाई ताकि तोफों का निशाना वज्रगढ़ पर ठीक से लगाया जा सके। उस समय वज्रगढ़ पर केवल 300 मावले मौजूद थे। उन 300 मावलों ने 15 दिनों तक किले को संभाला, लेकिन तोफों के हमलों के कारण वज्रगढ़ किले की दीवारें टूटी और दिलेर खान ने किले पर कब्जा किया। लेकिन मुरारबाजी ने पुरंदर किले पर हार नहीं मानी। उन्होंने आक्रमण की तैयारियां की, मावलों को होशियार रहने के लिए कहा और यहाँ दिलेर खान ने वज्रगढ़ से पुरंदर के माची पर हमला किया। दिलेर खान के दूर तक निशाने वाले तोफों के सामने पुरंदर की माची टिक नहीं पाई और उस माची को भी दिलेर खान ने जीत लिया। वज्रगढ़ और पुरंदर के माची के बाद उसने पुरंदर किले पर हमला किया। यह सबसे बड़ा झटका था मुरारबाजी के लिए। पुरंदर पर तब केवल 1000 मावले थे। उन सब के सरदार यानी पुरंदर की सुरक्षा करने वाले मुरारबाजी देशपांडे थे। उन्होंने दिलेर खान को हराने के लिए एक विचार किया। सामने से वार करने के लिए उन्होंने गढ़ के द्वार खोलकर लड़ाई करने की ठान ली। इसलिए उन्होंने हमले के लिए किले में मौजूद 1000 मावलों में से 700 मावलों को चुना। इस विचार के पीछे एक कारण भी था। एक साल पहले सियागढ़ के चारों ओर घेरा डालने वाले मुगल राजपूत जसवंत सिंह और मुगल फौज पर कुछ ही चुनिंदा मावलों के साथ ऐसा ही हमला किया था और इसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। हारे हुए जसवंत सिंह और मुगल फौज तब उनके डर से भाग गई थी। यह बात सोचकर ही उन्होंने इस बार भी उसी रणनीति से आक्रमण करने का सोचा। वैसे भी पुरंदर किसी भी वक्त मुगलों के कब्जे में जा सकता था और अगर प्रयास सफल हो जाता तो पुरंदर किले का इतिहास बन जाता। 25 से 30 हजार मुगल फौज और इतनी बड़ी फौज के खिलाफ सिर्फ 700 मावले और वह भी सिर्फ तलवार लेकर। दिलेर खान पुरंदर के माची पर पहुंचा। उसने सुल्तान ढवा चाल से किले पर आक्रमण करने का सोचा और मुरारबाजी ने उसी वक्त दिलेर खान की ओर सीधे आक्रमण किया। मुरारबाजी और मावले तो जैसे दिलेर खान और उसकी फौज और पठानों पर टूट पड़े थे। शौर्य की इस अग्नि को देखकर खान भी घबरा गया था। दिलेर खान ने खुद ही मुरारबाजी पर होने वाले हमले को आदेश देकर हटाया, हमला रोक दिया। खान के सामने ही मुरारबाजी लड़ रहे थे, सारे रुक गए और दिलेर खान ने कहा, बहादुर, तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं निहायत खुश हुआ हूँ। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी शान रखेंगे। ऐसी बातें सुनकर मुरारबाजी और भी भड़क उठे। यह खान मुझे फितूरी सिखा रहा है, इस बात से उन्हें गुस्सा आया। मुरारबाजी ने उसे गुस्से से जवाब दिया, मैं शिवाजी महाराजांचा मावळा आहे, तुझा कौल घेतो की काय। और दिलेर खान की ओर मुरारबाजी टूट पड़े और फिर युद्ध शुरू हुआ। यह देख की मुरारबाजी अपनी ओर युद्ध करने आ रहे है,
दिलेर खान ने उन पर धनुष तान दिया। दिलेर खान ने धनुष की डोर अपने कानों तक खींची, मुरारबाजी के तलवार चला रहे हाथों पर तीर चलाया और मुरारबाजी की मौत हो गई। एक प्रखर तेज जैसे सूरज की तेज के साथ ढल गया। मुरारबाजी के शरीर को कुछ मावले गढ़ पर लेकर गए। मुरारबाजी दिलेर खान और उसकी फौज के साथ लड़े और फिर युद्ध में ही मौत के गोद में समा गए। दिलेर खान के पठानों ने जो सुल्तान ढवा चाल चली उसे पूरा न होने दिया, लेकिन मुरारबाजी के मृत्यु के बाद भी मावलों ने हार नहीं मानी। उनके इस जज्बे को देख दिलेर खान खुद बोला कि यह कैसा सिपाही पैदा किया खुदा ने। पर मावलों ने हार न मानते हुए दिलेर खान को किला जीतने नहीं दिया। किले का द्वार टूट गया पर मावलों ने किले को टूटने नहीं दिया। जैसे कि एक मुरारबाजी नहीं रहे तो क्या हुआ, या उनके जैसे और कई मुरारबाजी है। उनके जैसा स्वराज्य प्रेम मावलों के मन में भड़क उठा था। 2 महीनों तक मुरारबाजी और मावलों ने दिलेर खान को रोक रखा और उसे किला जीतने नहीं दिया। मिर्जा राजे जयसिंह और दिलेर खान के रूप में स्वराज्य पर आया हुआ संकट दूर करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 11 जून 1665 को मिर्जा राजे के साथ करार किया, जिसके मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज को 23 किले और 4 लाख सुवर्ण मुद्राएं मिर्जा राजे को देनी थी। करार कर महाराज ने स्वराज पर आया हुआ संकट दूर किया और कुछ दिनों बाद फिर से पुरंदर किला जीत लिया, पर मुरारबाजी जैसे वीर योद्धा को खो दिया। धन्य है ऐसे स्वराज्य के वीर जिनके कारण स्वराज्य है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए।